क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर राज करते हैं और इन प्रोसेसर्स में अब तक टॉप पर था स्नैपड्रैगन 8 जेनवन चिपसेट जो इस साल हमें ऑलमोस्ट सभी तगड़े फोन्स में देखने को मिला, फिर चाहे वो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा हो या OnePlus 10 Pro। लेकिन इस सुपर फास्ट चिपसेट का नेक्स्ट जनरेशन अवतार आ गया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 और इस चिपसेट पर चलने वाले तेज तर्रार फोन्स पूरे साल 2023 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर राज करेंगे। कौन से होंगे वो फोन आज यही पता करते हैं, पर पहले ये जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 से हमारे फोन में लिटरली बदलाव होंगे क्या, इसको इससे फायदा क्या होगा। तो सबसे पहला जो फायदा होगा कि बढ़िया बैटरी हो जाएगी और तेज तर्रार परफॉर्मेंस भी बनी रहेगी। परफॉर्मेंस बूस्ट तो हो जाएगा 35% का, लेकिन बैटरी जो है वो 40% इंप्रूव्ड चलेगी। मतलब परफॉर्मेंस में 35% का जंप और बैटरी लाइफ में 40% का जंप। दूसरा जो फायदा होगा कि वॉइस कमांड्स फोन पर और बेहतर काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो AI इंजन लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 के अंदर, उससे जो ऑडियो जो है, बेसिकली ऑडियो कमांड्स है, वॉइस कमांड्स जो है, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, बिकॉज ज्यादा आपकी आवाज को अच्छे से पहचानने के लिए इस चिपसेट को डिजाइन किया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये कि 5G नेटवर्क के हिसाब से ये पूरे चिपसेट को डिजाइन किया गया है, तो इस कारण से बेहतर अपलोड डाउनलोड स्पीड हमें देखने को मिलेगी साल 2023 में लॉन्च होने वाले फोन्स में। अब फटाफट ये जान लेते हैं कि आखिर कौन से वो फोन्स होंगे जिनमें हमें सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो फोन जिसके बारे में सबसे ज्यादा बज बन रहा है वो है, आपको पता ही होगा, सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज। अगले साल जनवरी फरवरी के आसपास ये लॉन्च होती है, मतलब सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज हमेशा S23 सीरीज लॉन्च होगी। इसमें जो सबसे बड़ा फीचर जो हमें देखने को मिल सकता है, दैट इज 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने की अटकलें जताई जा रही हैं और 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसके अंदर होगा। OLED स्क्रीन होगी 6.8 इंच की। इसके अलावा 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज में देखने को मिलेगी। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के कौन से फोन्स में ये सारे फीचर्स होंगे और कौन से फोन्स में कौन सी चीजें मिस होंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले साल, मतलब अगला साल आ ही गया, बट जनवरी फरवरी में ये फोन लॉन्च होने वाला है। दूसरा जो फोन जिसके ऊपर सबसे ज्यादा है और उम्मीद ये है कि आने वाले हफ्तों में ही ये फोन लॉन्च हो जाएगा और नए साल आने वाले हफ्तों में या नए साल से कुछ दिन पहले लॉन्च होगा, एंड दैट फोन इज OnePlus 11 सीरीज। तो OnePlus 11 में सबसे पहले हो सकता है हमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 देखने को मिले ये चिपसेट। इसके अगर फीचर्स की बात करें OnePlus 11 सीरीज के, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा और अच्छी चीज ये होगी कि जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल के तीन कैमरा लेंस के कॉम्बिनेशन से बना होगा। 5000 मिली एम्पियर आवर बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी और OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स की स्क्रीन तो हमेशा अच्छी होती है, तो AMOLED स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी 6.7 इंच की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Xiaomi 13 सीरीज। ये जो Xiaomi की 13 सीरीज के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें Xiaomi 13 में देखने को मिलेगा और अच्छी चीज ये है कि तीनों ही जो लेंस होंगे इसके कैमरे में वो 50 मेगापिक्सल के होंगे। तो जाहिर सी बात है जो वीडियो हो या इमेजेस हो Xiaomi 13 सीरीज में हमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। और बैटरी की बात करें तो 4800 मिली एम्पियर आर की बैटरी होगी लेकिन 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, दैट मींस कि बड़ा मजा आने वाला है। तो आप इन तीनों ही फोन्स में से कौन से फोन को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ में ही स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट के कौन से फीचर का आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ट्रेंड्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो तक के लिए स्टे कनेक्टेड।